गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का लेसन चल रहा था अपना, इसका नाम है संस्कृति और टकराव। इसके बारे में कुछ जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी प्रस्तावना के जरिए, प्रारंभ के जरिए। आगे हम पढ़ेंगे इसी में अमेरिका के लोगों पर यूरोपवासियों के विजय का ये दुष्परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी लोगों की पांडुलिपियां और स्मारकों को निर्ममतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। जिस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका के लोग, अमेरिका में यूरोपीय लोगों ने धीरे धीरे स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया था और जबरदस्ती वो अपने जो तौर तरीके थे, अपनी जो संस्कृति थी, उन्हें अमेरिकी लोगों पर जबरदस्ती ठोकना चाहते थे। तो ऐसे जबरदस्ती कार्यों की वजह से, ऐसे यूरोपवासियों की विजय के कारण अमेरिका के लोगों की जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी, क्योंकि यूरोपवासी वहाँ पर स्थायी रूप से निवास करने लगे। जब इन यूरोपवासी लोगों ने धीरे धीरे क्या किया और आगे अमेरिका के जो पांडुलिपियाँ थी, यूरोप अमेरिकी लोगों की जो स्मारक वगैरह थे, मतलब अमेरिका की जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे उन्होंने नष्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर ही मानव विज्ञानियों द्वारा इन संस्कृतियों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। अब जब आगे समय बीता तो 19वीं शताब्दी के दौरान अब जब धीरे धीरे अमेरिकी लोगों की जो सभ्यता और संस्कृति जो यूरोपवासियों ने नष्ट करनी शुरू कर दी थी, उसके बारे में दुनिया को धीरे धीरे पता लगने लगा। जो अच्छे विद्वान जो लोग थे, चाहे वो किसी भी देश के रहे हों, उन्होंने उन सारी चीज़ों के बारे में रुचि लेनी प्रारंभ करी। ऐसी सारी रुचियों के माध्यम से उन विचारकों ने, उन विद्वानों ने अमेरिका की सभ्यता और संस्कृति को दी, जो धीरे धीरे यूरोपवासियों ने नष्ट कर दी थी, उनका अध्ययन करना आरंभ कर दिया और दुनिया के सामने वो दोबारा से पुनः रखी जाने लगी। और उसके बाद पुरातत्वविदों ने इन सभ्यताओं के भग्नावशेषों को खोज निकाला। जैसे जैसे यूरोपवासियों ने अमेरिकी लोगों की जो पुरातात्विक जो क्षेत्र थे, चाहे वो भवन हो, महल हो, चाहे वो पांडुलिपियां हो, चाहे वो पुस्तकें हो, अन्य चाहे कोई भी संसाधन क्यों ना हो, उन यूरोपीय लोगों ने उन चीज़ों को नष्ट कर दिया। तो बाद में जैसे समय बीता तो पुरातत्वविदों को इन सभ्यताओं के जो केंद्र थे, इन सभ्यताओं के जो स्रोत थे, उन सारे स्रोतों का अध्ययन करने का मौका मिला और उन सारी चीज़ों को वापस से खोज निकालने की खोज शुरू हो गई। 1911 ईस्वी में इंकाई शहर माचू और पिचू की फिर से खोज की गई। अच्छा, पुरातत्वविदों को नया जो अनुसंधान का जो क्षेत्र था, नया जो अनुसंधान करने का जो कार्य था, जब वो मिला तो उन पुरातत्वविदों ने अमेरिका का जो शहर था माचू पिचू नाम का, उस शहर की दोबारा से खोज की गई। कब? 1911 ईस्वी में। किसके द्वारा? पुरातत्वविदों के द्वारा। कहाँ का था ये अमेरिका का था, जिसको अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। हाल में हवाई जहाज से लिए गए चित्रों से पता चला है कि वहाँ और भी कई शहर थे जो अब जंगलों से ढके हुए हैं। इसी माचू पिचू की तरह और भी शहर थे जिनको ध्वस्त कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था यूरोपवासियों की तरह, यूरोपवासियों ने, और ऐसे सारे शहर जो नष्ट किए गए थे वो अब जंगलों में दब गए थे। हम अमेरिका के मूल निवासियों और यूरोपवासियों के बीच हुई मुठभेड़ों के बारे में मूल निवासियों के पक्ष को तो अधिक नहीं जानते, पर यूरोपीय पक्ष को विस्तार पूर्वक जानते हैं। अब आगे विद्वान कहते हैं कि हम यूरोपवासियों और अमेरिकी लोगों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, जो विवाद हुआ था, उसके बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन अमरीकी को तो हम जानते भी नहीं थे कि वहाँ पर कौन सी सभ्यता है, कैसे लोग थे, कैसी संस्कृति थी, कैसे शहर थे, कैसे वहाँ के अन्य जानकारी के स्रोत थे, लेकिन यूरोपवासियों को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कैसे थे और क्या करना चाहते थे। जो यूरोपीय
अमेरिका की यात्रा पर गए, वे अपने साथ रोज नामचा और डायरियां रखते थे जिसमें वे अपनी यात्राओं का दैनिक विवरण भी लिखते थे। अब जब अमेरिका की खोज हो गई तो यूरोपवासी धीरे धीरे अमेरिका की तरफ जाने लगे, अमेरिका की यात्रा करने लगे और इस यात्रा के दौरान जब वहां पर वो पहुंचे तो उन्होंने जो जो जानकारियां, जो जो चीजें देखी, जिनका अवलोकन किया, जिनको उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, परखा, महसूस किया, उन सारी चीजों को उन्होंने डायरिया में और राजनामचा तथा दैनिक विवरण के रूप में वो रोजाना जो जो चीजों का अवलोकन करते वो सारी अपने पास नोट करने लगे। हमें सरकारी अधिकारियों एवं जेसुइट धर्म प्रचारकों के विवरणों से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यूरोपवासियों ने अपने अमेरिका की खोज के बारे में जो कुछ विवरण दिया है और वहाँ के देशों के जो इतिहास लिखे हैं उनमें यूरोपीय बस्तियों के बारे में अधिक और स्थानीय लोगों के बारे में बहुत कम या न के बराबर लिखा गया है। अब जब धीरे धीरे ये सारी जानकारियां डायरी के माध्यम से, दैनिक विवरण के माध्यम से, रोजनामचा के माध्यम से जब लोगों के सामने आने लगी, उन लिखे हुए माध्यम से इसी प्रकार की अन्य जानकारियां अब ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे, जेसुइट धर्म प्रचारक थे, सरकारी अधिकारी थे, उनके माध्यम से भी हमें सारी जानकारियां मिलने लगी। जब बात करें अमेरिका की खोज के बारे में और कुछ विवरण लेने के लिए तो यूरोपवासी, यूरोपीय बस्तियां और स्थानीय लोगों के बारे में जो कुछ हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, समझने के लिए मिलता है, वो अमेरिकी लोगों के बारे में कम जबकि यूरोपीय लोगों के बारे में ज्यादा। आगे बात करें, अनेक जन समुदाय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिकी अमेरिका और निकटवर्ती द्वीपों में हजारों वर्षों से रहते थे और एशिया तथा दक्षिणी सागर के द्वीपों में द्वीपों से जाकर लोग वहां बसते रहे हैं। अब बात करें तो एशिया और दूसरी अन्य जो द्वीप समूह थे वहां से धीरे 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 लोग अमेरिका की ओर जाने लगे और यूरोपवासियों की तरह वहां पर लोग स्थायी रूप से निवास करने शुरू हो गए। दक्षिणी अमेरिका घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था, आज भी उसके अनेक भाग जंगलों से ढके हुए। जैसे वर्तमान समय की बात करें तो जो अमेजन वाला जो क्षेत्र है जो काफी घने जंगलों से ढका हुआ जहाँ पर अमेजन नदी बहती है, वो सारा सारा जैसे मेक्सिको वगैरह, कनाडा वगैरह, ऐसे तमाम सारे बड़े शहर, बड़े क्षेत्र जो जंगलों और पहाड़ों से ढके हुए थे उन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा हमें प्राकृतिक रूप से, ज्योग्राफी के नजरिए से, भूगोल के नजरिए से सबसे ज्यादा वनस्पति की हम वहीं पर देखने को मिलती है प्राकृतिक रूप से, जो भारतीय जो मानव संस्कृति के लिए लाभदायक है। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो अमेजन है मीलों तक वहां के घने जंगली इलाकों से होकर बहती थी। और बात करें आगे उन्हीं घने जंगलों के दृष्टिकोण से तो वहीं पर ही आपकी सबसे बड़ी जो नदी मानी जाती है दुनिया में, विश्व में प्रवाह के क्षेत्र जो सबसे ज्यादा अधिक लंबे चौड़े क्षेत्र में बहती है, उस नदी का नाम है अमेजन।